भला आज के जमाने में अपनी कमाई का एक रुपया कौन छोड़ना चाहता है? जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने अपना पूरा वेतन ही लौटा दिया। इसके पीछे का जब आप तर्क जानेंगे तो आप भी कहेंगे, वाह, आज के जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? आप उस इंसान को शाबाशी देते नहीं थकेंगे। यह पूरा मामला बिहार के एक ऐसे कॉलेज का है जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है, छात्रों को शिक्षा से दूर ले जा रहा है। हम वीडियो के विस्तार में जाएं उससे पहले आपको भी चाणक्य का यह सूत्र जरूर जान लेना चाहिए। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। समाज के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक ही है जो समाज में किसी व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने के साथ उसका सर्वोत्तम विकास भी करते हैं। शिक्षा देने के साथ ही वह उसे एक पेशेवर व्यक्ति बनने और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। आज बिहार में एक ऐसे ही शिक्षक को उनके दायित्व से भटकाया जा रहा है, उसको उसका काम करने नहीं दिया जा रहा है। बिहार का सरकारी सिस्टम खोखली हो गई है। दिखावे के लिए तो सब कुछ है लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। बिहार में सैकड़ों ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर छात्रों का तो नामांकन है लेकिन कॉलेज नहीं आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, न तो सरकार जानना चाहती है और ना ही कॉलेज प्रशासन। आज स्थिति यह है कि प्रोफेसर को इस नाम पर कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है कि हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन क्लास में बच्चे नहीं हैं। अब तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था से आप अवगत हो गए होंगे, तो चलिए अब इस इंसान के बारे में भी जान लेते हैं जिसने अपना वेतन विश्वविद्यालय को लौटा दिया। दरअसल यह पूरा मामला भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का है, जहां एक प्रोफेसर ने क्लास नहीं मिलने पर, यानी कि उन्होंने बच्चों को क्लास में पढ़ाया ही नहीं और इसी नैतिकता के आधार पर अपना वेतन विश्वविद्यालय को लौटा दिया। साथ ही साथ उस प्रोफेसर ने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि 3 साल से पत्र लिख रहे हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति किसी ऐसे कॉलेज में कर दी जाए जहां बच्चों को पढ़ाया जाता हो, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। इस बात से परेशान होकर नितीश्वर कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने अपनी 3 साल की पूरी सैलरी, जो कि 23,82,228 रुपये होता था, उसे विश्वविद्यालय को लौटा दिया। साथ ही साथ इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि साल 2019 से 2022 के दौरान 6 बार ट्रांसफर पोस्टिंग की गई, लेकिन मेरे आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैंने अपने आवेदन में लिखा था कि मेरे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, मेरा ट्रांसफर पीजी डिपार्टमेंट, एलएस कॉलेज या फिर आरडीएस कॉलेज में कर दीजिए जहां क्लासेस चल रही है, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं और अपने ज्ञान का सही से इस्तेमाल कर सकूं। आखिरी में उन्होंने कहा कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और ज्वाइनिंग के दिन से मई 2022 तक का पूरा पैसा विश्वविद्यालय के नाम समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी स्थिति में मैं सैलरी को स्वीकार नहीं कर सकता।